एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा, मैं ये बताऊंगी कि आज मैं क्या टॉपिक करवाऊंगी और कल तक की वीडियो में आपको क्या बताया, इससे पहले की वीडियो में आपको क्या बताया मैंने। तो इससे पहले की वीडियो में जो आपकी वसंत बुक है उसमें लेसन 12 था कंचा, तो उसके जो है पाठ का मैंने सार आपको कम्प्लीटली समझाया था। उसके राइटर कौन है उसके बारे में भी जो है मैंने डिटेल बताई थी आपको। पद्मना भन जो है इसके राइटर है, इसके बारे में भी बताया था। तो एक छोटे से बच्चे की कहानी थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो है इसकी हम रीडिंग लेंगे, तो वन बाय वन स्टूडेंट इसकी रीडिंग करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लक्ष्मण रीडिंग करेंगे लेसन 12 कंचा। यस। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते जुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूलता खनकता लिखे ना इसमें, यानी कि आवाज करता हुआ। एक शब्द आया इसमें, मैं यहाँ पे लिखूंगी खनकता ही है ना। और इधर इसका अर्थ साथ साथ में ऐसे बताती हूँ, खनक खेने करता खनकता। तो यहाँ क्या आएगा, आवाज करना। आवाज करना पढ़िए। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, यो वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कोए और सियार की। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर पता नहीं है तुम्हें कई दिन से क्या चल रहा है। चलिए नेक्स्ट दीपक नेक्स्ट बच्चा रीडिंग करेगा। दीपक कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9:11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कोआ। वह चलते चलते बुद्धू एक शब्द आया, बुद्धू मीन्स मूर्ख आकृष्ट किया। जार ने मतलब अपनी ओर खींचना, आकृष्ट करना अपनी ओर खींचना। ये भी लिखूंगी मैं यहाँ पर, आकृष्ट आकृष्ट करना अपनी ओर खींचना, आकृष्ट करना अपनी ओर खींचना। ध्यान किसका, बच्चे का, क्योंकि उसमें रंग बिरंगे कंचे थे ना, अपनी ओर खींचना। चलिए पढ़िए। कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरह पटाकर उस चार के साथ इधर से पढ़ेगी मंच, आवाज लाउडली थोड़ा बेटा, यहाँ पे आ जाओ, स्पष्ट पढ़िए ना।
चार में कच्चे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद बढ़िया सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे कितने खूबसूरत हैं। खूबसूरत सुंदर खूबसूरत सुंदर। अब तक ये कहाँ थे शायद दुकान के अंदर, अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन यस नेक्स्ट आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के कारण वह अकेले ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ सानू है ना आपका नाम यस। वह कंचे चारों तरफ खेलता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तो उस चार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जब चार अब छोटा बनता जा रहा था, छोटे चार में हरी लकीर वाले सफेद गोले गोल कंचे छोटे आंवले जैसे सिर्फ दो जने वहाँ हैं। वह और बुरा दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना जो चाहते हो वह मैं निकाल दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने चार का ढक्कन खोलना शुरू किया। इसमें निषेध में से निषेध मना क्या दोबारा से पढ़ो ये लाइन, इनको पता होना चाहिए। एक आया ना निषेध, पढ़िए पीछे से। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध में यानी कि उसने मना कर दिया। निषेध यानी कि मना करना, मना समझ आया? निषेध मना। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है, जो भी हो उसने कंचे को छूकर देखकर जा छूकर छूना स्पर्श करना छूना स्पर्श करना पकड़ना स्पर्श करना। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद सोचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरे बेंच के आखिर में मलिका के पास अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे लड़कों के बीच जार ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। जार का नाम बताया था ना मैंने? कितना भी बड़ा लड़का उसे साथ खेले, जार से मात खिलाया। हारने पर जो भी विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी बंद बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती। जब जॉर्ज कंचा बंद मुट्ठी को की हड्डी तोड़ेगा, जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन से यह सूचना दी थी। उसे मिलाका को सब बताया था। सौरभ जॉर्ज के घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अब वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी उससे हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख दी। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी प्रेस्ट इस घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। सुन रहा मास्टर जी बीच बीच में पेट
होते हुए उसी आवाज में वह कह रहे थे, बच्चों तुमसे कोई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप का भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊँची थी। रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी खीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेंगे। इस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, अनुभव के कारण यह उठकर खड़ा हो गया। नेक्स्ट समीर। मास्टर जी गुस्से में आ रहे, तुम मास्टर जी आया है यहाँ पे नाम मास्टर जी, पता किसको कहते हैं? अध्यापक। मास्टर जी अध्यापक। उधर क्या कर रहे हो? उसका दम घुट रहा था, बोला वह खामोश खड़ा रहा और क्या नहीं बोलेगा वह खामोश। एक मिनट खामोश, चुप। यस। सारे बच्चे सांस रोके हुए उसी तरफ देख रहे, अभी घबराहट बढ़ गई। मैं अभी किससे के बारे में बात कर रहा था। मास्टर जी उसे लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसका मन भी और कुछ, शायद उसका पाठ पर ध्यान नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा तो उसका जवाब उसके मन के बाहर ले आना, इसी में उसकी सफलता है। हाँ, बात डराना मत मास्टर जी ने देखा हूँ। नेक्स्ट लास्ट। यहाँ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। अलर्ट रहे, किसी को मैं दोबारा भी खड़ा कर सकती हूँ। अप्पू की जबान पर जवाब था, हाँ, वह कांपते हुए बोला, कंचा वे सब पका गए, कक्षा में भूचाल आ गया। सब पका गए, सब पका गए, सब पकाना मुहावरा भी होता है, सब पकाना। बताओ, दो में होगा, सब पकाना घबराना, बार बार यानी कि घबरा जाना, सब पकाना मुहावरा होता है, घबराना, दिमाग खराब हो, खाना दिमाग खराब हो गया, घबरा के घबराना। स्टैंड अप मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से जाकर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन मल्लिका सब बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं ही बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचा, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो।
किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। अगर खरीदना है खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने इसके बाद आप पढ़ोगे 5 मिनट बाद मैं ठीक है पढ़ते क्या है दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना शब का क्या है। शब का जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार बच्चे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी रंगीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा क्या रेलगाड़ी के लिए उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? उसको बताना चाहिए। बैग खेलेगा, जोश के साथ खेलेगा। एक गाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस का हैंडवेट ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। काजल ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 150 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब चटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का वह बेच से उतरा। इधर मास्टर जी ने पूछा। उस कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है? फीस मत देना मास्टर ने कहा। वह झटकता रहा। आंधी बेच वह बेंच पर चढ़कर बेंच पर झटकर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान होगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे। नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गिल्ली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सिंखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल को की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा उसे मालूम हुआ कि दुकान उसे इंतजार में हुआ। वह भी सेंटेंस ही कितनी अन्य है। इंतजार नहीं आता क्या? रीडिंग करनी नहीं आती? आती है। फिर बोलिए। इंतजार में है वह भी
हसा कंचा कंचा चल ही ना। यस दीपक। कंचा चाहिए है ना, उसमें से लाया दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे है ना, बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने। उसने जब मैं हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे है, उसने वह निकाल कर दिखाया, दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे, इतने कंचे की जरूरत क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है, वह नहीं जानता था तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो, दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था का पूरा जी मीन्स मन, जैसे इसमें है ना, उसका मन चाहता था, उसका जी चाहता था, पूरा जार उसे मिल जाता, जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचे में लकीर होती है। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया, बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से बस्ता बैग, जो बैग लेके आते हैं ना स्कूल का, बस्ता बोलते हैं साधारण भाषा में बस्ता, धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए, वह वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर पल भर के बाद वह उन्हें चुनने लगा, हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा, 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, ब्रेक लगाना रोकना। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कार सामने आ गई है, वो अपने कंचों में ही मगन था, बस उसी में खोया हुआ था। को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाना, ये भी एक मुहावरा है, कच्चा खा जाना, यानी कि इतना क्रोध आ जाना, क्रोध में आना, कच्चा खा जाना, क्रोध में आ जाना, गुस्सा आ जाना। खा जाने की इच्छा हुई, उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। और की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा, सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है, उनको भी अच्छा लगने लगा कि बच्चा देखो कितना कंचों में मगन हो रहा, कि इसको ये भी नहीं दिख रहा सामने कि गाड़ी आई हुई है।
इसको देखकर हैरान हो गए थे। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, हवा हो जाना, उड़ भाग जाना, हवा हो जाना, भाग जाना, गुस्से को भाग जाना, भाग जाना। वह हंस पड़ा, बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने के में देर होते देखकर माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला, मुझसे नहीं कहेगा, कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। खरीदे हैं, पैसे पैसे से खरीदे हैं। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारे करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगलियां दबाई। ये भी बोलिए, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। फीस के दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। इतने सारे कंचे काहे को ले आखिर खेलोगे किसके साथ। उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ क्वेश्चन आंसर की पलकों भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू ने नहीं जाना सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वह सब पसंद करते थे, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए। शायद कंचे अच्छे नहीं है, बस्ते से ओवले आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं है ना। नहीं अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो ये जो है बेटा आपके सामने लेसन 12 कंचा, इसके बारे में जैसे मैंने आपको पाठ का सार बताया तो समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। तो एक बार घर पे भी अवश्य इसकी रीडिंग करेंगे तो इसकी जो है मैं क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको दे दूंगी। तो सभी बच्चों का जो है ये कंप्लीट होना चाहिए लेसन 12, क्लियर। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही है। वरना स्टे यानी कि आपके 12 लेसन वसंत में कंप्लीट हो चुके हैं।